Good morning, class. First, how are you all? I hope you all are well. Okay, so this is your English period. Please open your English language book Basic English Grammar and Composition. Okay, chapter 1, exercise C, page number 3. Okay, rewrite these sentences using capital letters wherever required. आपको क्या करना है जो ये लाइन गिवन है ठीक है सेंटेंसेस गिवन है उसमें क्या करना है आपको जहां पे कैपिटल लेटर यूज होने चाहिए थे और नहीं हुए हैं ठीक है वहां पे उसको करेक्ट करना है और फिर उसे दोबारा से रीराइट करना है ओके लेट जस्ट रिवाइज वंस मोर ओके कैपिटल लेटर्स आर यूज फॉर द फर्स्ट लेटर इन अ सेंटेंस यानी फर्स्ट लेटर जो भी सेंटेंस का होगा वहां पे आपका क्या होगा कैपिटल लेटर होगा सबसे सब पहला द वर्ड आई जो वर्ड होता है आई उसके वो भी हमेशा किस में होता है कैपिटल लेटर में ही शो करते हैं हम द नेम्स ऑफ पीपल किसी भी इंसान का किसी भी पीपल का नेम जो होता है वो भी हमेशा हम क्या करते हैं फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल रखते हैं द नेम ऑफ द फेस्टिवल्स कोई भी फेस्टिवल हो हमारा या हॉलीडेज हो डेज ऑफ वीक हो या मंथ ऑफ ईयर हो ठीक है ये सब में भी हम क्या करते हैं कैपिटल लेटर यूज करते हैं जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा ओके लेट्स डू इट द मून शाइंस एट नाइट द फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल सो फर्स्ट मिस्टेक तो यही है और कहीं भी कोई मिस्टेक है नो नाउ वी राइट इट द मून shines at night full stop okay next my dog's name is Raja in this sentence first one first letter should be always be capital So, first one is this, one is this. and the second one is Raja. राजा उसका नेम है और हमने बताया था हम किसी भी चीज का अगर नेम हो किसी भी पर्सन का किसी पीपल का किसी भी एनिमल का तो वो भी हमेशा क्या होता है हमारा कैपिटल रहता है नाउ वी विल रिडाइट इट माई डॉग्स नेम इज़ राजा फुल स्टॉप ओके नेक्स्ट वी लिव इन मुंबई ऑलरेडी करेक्टेड है इसमें तो कि W आपका कैपिटल है बिकॉज इट्स अ फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस ठीक है अब मिस्टेक कहा है यहां पे क्यों मिस्टेक है क्योंकि मुंबई एक जगह का नेम है और जो भी किसी जगह का नेम होगा वो भी हमेशा क्या होता है कैपिटल से स्टार्ट होता है सो वी विल राइट वी लेव इन मुंबई फॉप ओके नेक्स्ट आशा एंड वरुण ईट ग्रीन वेजिटेबल्स इसमें क्या गलत है टेलमी कहा करेक्शन करेंगे हेयर एंड हेयर बिकॉज आशा एंड वरुण आर बोथ नेम्स एंड वी विल राइट इट आशा एंड वरुण Eat green vegetables. First of, okay, and the last one, we celebrate Diwali, Eid, and Christmas in our school. First of all, this one, because first letter is always capital. नेक्स्ट इज फेस्टिवल नेम कितने फेस्टिवल्स यहां दिख रहे हैं टेल मी वेरी गुड दिवाली ईद एंड क्रिसमस थ्री फेस्टिवल्स तो इनके जो नेम्स हैं उसमें भी आपका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा कैपिटल होगा क्योंकि ये भी क्या है फेस्टिवल है और फेस्टिवल के नेम्स में हमेशा क्या लगाते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल वेरी गुड वी विल इट वी सेलिब्रेट Diwali Eid and Christmas in a school full stop okay now we will read the sentences okay and understand what they mean The moon shines at night. The moon shines at night. Repeat after me. The moon shines at night. यानी yani मून क्या करता है? रात को चमकता है, shine करता है। My dog's name is Raja. Repeat. मेरे डॉग का नाम क्या है? Raja. We live in Mumbai. हम कहां रहते हैं मुंबई में आशा एंड वरुण ईट ग्रीन वेजिटेबल्स रिपीट आशा और वरुण क्या खाते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं इट्स हेल्दी ना वी सेलिब्रेट दिवाली ईद एंड क्रिसमस इन अ स्कूल रिपीट हम अपने स्कूल में क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं दिवाली ईद और क्रिसमस ठीक है हम ये तीनों फेस्टिवल्स को क्या करते हैं इंजॉय करते हैं ना आपने आपको याद है लास्ट ईयर हम लोगों ने दिवाली भी सेलिब्रेट की थी ईद भी सेलिब्रेट किया था क्रिसमस भी किया था सेंटा क्लॉज भी आया था है ना तो हम अपने स्कूल में क्या करते हैं ये तीनों फेस्टिवल को क्या करते हैं इंजॉय करते, है, करते हैं सेलिब्रेट करते हैं ओके सो With this, your chapters end. That's all for today. Thank you and have a nice day.